एक ऐसी लड़की जो क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बना रही थी, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को एक पहचान दिला रही थी। पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर उसकी तारीफ कर चुके थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इस्लाम की वजह से अपना क्रिकेट करियर छोड़ दिया, आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं। क्रिकेट हमेशा से एक ऐसा खेल रहा है जिसकी दीवानगी पूरी दुनिया में तो है ही, लेकिन खास तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों में इसकी दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती है। दोनों देशों के क्रिकेटर्स ने क्रिकेट की दुनिया में एक अलग ही पहचान बनाई है, और अब ऐसी ही पहचान बनाने निकली थी पाकिस्तानी क्रिकेटर आयशा नसीम। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस युवा स्टार बैटर आयशा नसीम ने क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लेकर सबको चौंका दिया। 18 साल की आयशा ने पाकिस्तान की ओर से अभी तक 4 वनडे जबकि 30 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। आयशा अपनी तेज तर्रार बैटिंग के लिए चर्चा में रही, और उनका इस तरह से अचानक क्रिकेट से संन्यास लेना काफी चौंकाने वाला था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आयशा ने कहा है कि वो अपनी बची हुई जिंदगी इस्लाम के मुताबिक जीना चाहती है, और इसलिए वो क्रिकेट छोड़ रही है। उनका अचानक ये फैसला लेना क्रिकेट जगत के लिए काफी शॉकिंग था, साथ ही साथ जो लोग उनको काफी पसंद करते थे उनके लिए ये बात मानना काफी मुश्किल हो रहा है। वो इस बात पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसे में लोगों के रिएक्शंस आना तो जरूरी थे। कुछ लोगों ने आयशा के इस डिसीजन की सराहना की है और कुछ ने इस डिसीजन को गलत बताया है। आइए आपको दिखाते हैं लोगों के मिक्स रिएक्शन। एक यूजर ने लिखा कि आई थिंक डिसीजन टेकन अंडर फैमिली प्रेशर, यानी कि फैमिली के दबाव में ऐसा डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा एक और यूजर ने लिखा कि तो मतलब कि इस्लाम अलाउ नहीं करता वुमन फ्रीडम। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि दिस इज सच अ वियर्ड रीजन, ये बेहद ही खराब रीजन है रिटायर होने के लिए। वहीं एक और यूजर काफी नाराज दिखाई दिए, उन्होंने लिखा कि नो वे, उसने तो अभी शुरुआत ही की थी, वो हमारी लेडी नसीम शाह थी और अभी तक पीसीबी की तरफ से ऐसी कोई भी न्यूज नहीं आई है। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि क्या सबसे ज्यादा बेहतर है, स्पोर्ट्स और रिलीजन, आई गो फॉर स्पोर्ट्स ऑल डे। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि रिस्पेक्ट हर पर्सनल चॉइस, यानी आयशा ने जो डिसीजन लिया उसकी इज्जत करें, मगर रिलीजन कहीं भी क्रिकेट खेलने से आपको रोक नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि रिलीजन आपको आपकी कंट्री सर्व करने से रोकता हो। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि व्हाट काइंड ऑफ रिलीजन इज दिस जो फीमेल एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स से उन्हें रोकता हो। आपको बता दें आयशा नसीम अपने लंबे छक्कों के लिए मशहूर थी। 2023 महिला T20 वर्ल्ड कप के 2 सबसे लंबे छक्के आयशा ने ही मारे थे। भारत के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 81 मीटर लंबा छक्का मारा था, ये टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का भी था। आयशा नसीम ने पाकिस्तान के लिए 4 वनडे और 30 T20 इंटरनेशनल मैच खेले थे। उन्होंने 30 मैच के अपने T20 करियर में 128 की स्ट्राइक रेट से 369 रन बनाए थे। वनडे में उनके नाम 33 ही रन हैं। अपने T20 करियर में वो 18 छक्के भी मार चुकी हैं। पाकिस्तान महिला टीम के लिए T20 इतिहास में आयशा से ज्यादा सिर्फ निदा डार ने 27 छक्के मारे हैं, लेकिन उन्होंने 130 मैच खेले हैं। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे आयशा नसीम के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।